Assalamu alaikum students, hope so you all are good. Today we are going to discuss the review questions of chapter number 6, enzymes. We will discuss understanding the concept and we will also discuss the short questions. Students, the first question is, how would you define the enzymes, describe their characteristics? So this is the answer of the first short question. और स्टूडेंट्स ये आंसर बेसिकली आपकी बुक का जो पेज है वो 108 से 109 पे है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम एंड द डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम इज आल्सो गिवन ओवर हियर. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाई इट इज रेफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू एंड इट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 107 ऑन योर टेक्स्ट बुक. Question number 3, in a range of 0 to 35 degrees Celsius, the rate of reaction of an enzyme is proportional to temperature. Above 35 degrees Celsius and below 0 degrees Celsius, enzyme's activity slows down and eventually stops. Explain why. So students, you will write the answer from here. Aap iska answer, ye temperature wala topic hai, aur aap iska answer yahan se mark karenge when temperature is raised. यहाँ से लेकर आप इसको मार्क करेंगे मे बी ब्लॉक्ड कम्प्लीटली तक. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द पेज नंबर 110. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स द आंसर इज दिस. यहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरह से जो पीएच है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है एंड द पेज नंबर फॉर दिस क्वेश्चन इज 111. Question number 5, what characteristics of enzymes make them specific for substrate? Students, इस question का answer basically specificity of enzyme वाला topic है, उसमें आपने वो explain करना है. So you will go the answer of the question number 5 and it is present on page number 112. ये page number 112 पे present है. Question number 6, briefly describe the factors that affect the activity of enzyme. Students, यहाँ पे आप वो सब factor डिस्कस करेंगे ब्रीफली जो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं. टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे आप यहाँ पर और आप यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे एंड यू विल आल्सो डिस्कस द पीएच. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 एंड स्टूडेंट इट इज फ्रॉम पेज नंबर 110 टिल 111. एंड द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज डिस्क्राइब द लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. So student, this is the lock and key model. You will describe it and you will also draw the label diagram for this model. Students, the answer of this question is on page number 112. So student, these are the understanding the concepts. Ye basically long questions se. And now we are moving towards the short question. Jo first short question hai aapka wo hai define cofactor and the coenzyme. Aapne cofactor aur coenzyme ko define karna hai. Students, yahan pe aap कोफैक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे. नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे और कोफैक्टर तक. और अगर आप यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दें कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट भी इसमें अटैच होते हैं और उनके बारे में भी बता दें, इट इज़ वेल एंड गुड. और यहाँ से आप कोएंजाइम की इफ ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर लूजली अटैच से लेकर आप इसे मार्क करेंगे यहाँ तक. ये कोएंजाइम की डेफिनेशन है और आगे आप इसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन. सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एंजाइम इन द पेपर इंडस्ट्री. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बस पेपर इंडस्ट्री के बारे में बताना है कि वहाँ पे एंजाइम किस तरह से यूज होते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. पॉइंट 3 है जो ये क्वेश्चन का आंसर है जिसमें आप पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम के यूज के बारे में बताएंगे. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे. होप सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.